ये तो बहुत मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है, आप लोग के बीच में, मतलब मैं बॉम्बे में आई, आप सब साथियों के बीच में आज हूँ। और मैं तो एक पहली बात एक टीचर थी, और वो टीचर में और मेरी जो ज़िंदगी थी उसी में मैं समट के रह जाती। कहीं ना कहीं ये अत्याचार और जेल की ज़िंदगी ने आप सब साथियों को मुझसे मिला, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं जेल गई। फिर जेल जाने के बाद इतने देश में जैसे आप सब साथी मेरे को मिल गए, ये शायद मैं जेल ना जाती तो ये सब साथी नहीं मिलते मुझे। और कहीं ना कहीं इस बात की, हालांकि जेल हमने प्रताड़ना बहुत सहा है, पर इस प्रताड़ना में भी बहुत साथी मिले, जिसकी मुझे आज भी बहुत अपने आप में फ़ख्र होती, खुशी होती इस बात की कि इस यातना में इतने लोग मेरे साथ खड़े हैं और हमेशा वो भी संघर्ष हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं। और आप लोग ने तो किताब में हर चीज़ों में बहुत कुछ पढ़ा है, जाना है और सब चीज़ों के बारे पता है, पर मैं यही है कि जो हुआ है, जो हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ यही बताना चाहती। अब आप कुछ सोचिए, एक टीचर थी, उस टीचर को आज क्या से क्या बना दिया। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति या तो अत्याचार से अपने आप को बहुत कमज़ोर हो जाता है या फिर उभरता है, तो मैं उसी में से एक उभरी हुई चेहरा हूँ। वैसे कई बस्तर में लोग संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ भी महिलाएँ इस तरह लड़ रही हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ आप लोग तक नहीं पहुँच पा रही है। और मैं चाहती हूँ कि अब हर जगह जाऊँ, हर जगह के मैं बोलूँ, आप लोग भी बस्तर आके आइए और उन चेहरों को भी देखिए, वो लड़ रहे हैं, वो तो उन साथ भी हमसे भी ज़्यादा भयानक तरीके से उनके साथ भी प्रताड़ना हो रहा है। और मेरे जब जेल जाने के बाद मैं कोई किताब से ये लड़ाई यार ये चीज़ों को मैंने नहीं पढ़ा है, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, और जितना 12वीं पास करने के बाद मैं टीचर में चले गई, और मुझे नहीं पता कि इस देश में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये सब चीज़ों से मैं अनजान थी। और जो कुछ भी आज जिस तरह से अनुभव इसमें लड़ रहे हैं, ये सिर्फ एक अत्याचार से ही मेरे अंदर वो विचार हैं आते जा रहे हैं। उन विचारों के तहत आप सबके बीच में जो चीज़ों को मैं आवाज़ देती हूँ बस्तर से, कि बस्तर में ये हो रहा है, बस्तर में इस तरह से प्रताड़ना दिया जा रहा है, महिलाओं से अत्याचार हो रहा है, जिसमें आप सब मिल के मेरी आवाज़ या बस्तर की आवाज़ को सुन के आप लोग भी यहाँ रह के बहुत बड़ा आपने आवाज़ बस्तर तक वो करके आप लोग भी लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में रहकर आप लोग कुछ नहीं, आप लोग भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे बस्तर के लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसकी हम वहाँ से चिल्लाते हैं तो आप लोग यहाँ से दबाव डालते, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जेल जाने के बाद मेरे को तो ऐसा लगा कि अब मैं जेल, मतलब जेल में आ गए हैं, जेल में इतना प्रताड़ना हुआ, ये हुआ। मुझे शुरू में महसूस होता था मैं अपने प्रताड़ना के बारे में किसी को नहीं बताऊँ, किसी से कुछ ना कहूँ, मेरे पति हैं मैं उनको नहीं बता सकती, समाज में कल के दिन मैं कैसे मुँह दिखाऊँ, किस तरह चलूँ, फिर समाज मुझे थूकेगा, फिर मैं उस रास्ते चल नहीं पाऊँगी, पति की नज़रों से गिर जाऊँगी, ऐसे कई चीज़ मेरे जेल जाने के बाद विचार आते रहे। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएँ मिले मुझे जेल में, जो जिनके निप्पल काट दिया गया, करंट शॉट दिया गया, और कई महिलाओं को बलात्कार हुआ, जो बच्चों को जेल में जन्म देना पड़ा, तो ऐसे बहुत ही यातनाओं को ऐसी महिलाओं से मेरी जब मिली, तो वो महिलाएं मुझसे कहने लगी, आप पढ़ी लिखी हैं, आप एक टीचर की नौकरी करती हैं, तो आप लड़िए, क्योंकि हमारा कोई नहीं सुनेगा, हम किसको बताएं, लेकिन आप तो लिखते हैं ना, पढ़ते हैं, आप एक टीचर हैं, आप लिखोगे तो शायद कोई सुनेगा, ये बात तो सही बोले। तब फिर मैंने सोचने लग गई कि मुझे कुछ करना चाहिए, और जो मेरे साथ हुआ है इसमें मेरा क्या कसूर, जिन लोगों ने मेरे जो इतने शर्मनाक प्रताड़ना दिए हैं, तो मुझे लड़ना चाहिए। तो मैंने हिमांशु सर को, जो गुरु है मेरे, उनको मैंने चिट्ठी लिखा, उस चिट्ठी का लड़ाई इतना विशाल रूप लेगा, इतनी बड़ी होगी, ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जेल में कुछ चीज़ों को बताया नहीं जाता था कि क्या हो रहा है बाहर में। फिर बाद में काफ़ी साल, 1.5 साल बाद मुझे पता चला कि मैंने जो चिट्ठी लिख रही हूँ उस चिट्ठी में तो काफ़ी देश में फैल चुका है इस लड़ाई का, एक मूवमेंट से लोग जुड़ते जा रहे हैं, और एक साथ कई देश के, मतलब ऐसे नागरिक अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, कई लोग साथी हैं जो बाहर से भी हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हुआ। तो मैं जब जेल से निकली, तो जेल से निकलने के बाद ये लगा कि अब आगे की लड़ाई कैसे लड़ना चाहिए, क्या होना, फिर मेरे को दिल्ली में 2 महीने रहना पड़ा, फिर यहाँ से मैं चले गए, तो ये लड़ाई कहीं अंत ही नहीं हो रहा है, लगातार मतलब लड़ते ही जा रहे हैं, और बस्तर में जो हो रहा है, तो उसके पीछे कभी भी मैं मन में ये नहीं सोचती कि मेरे को इस लड़ाई को अब यहीं पर ग्रहण कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो मुझ में और उत्साह और ज़्यादा मुझे अंदर ताकत, ये सब चीज़ें होते हैं। अब जैसे महिलाओं के साथ बेलम नेंड्रा पिद्दा गेलूर में जो एक मासूम लड़की है, छोटी सी बच्ची गाय चरा रही है, उनके साथ पुलिस कर्मी ने बलात्कार करना, महिला सोए हैं उनके बच्चों को पेक के बलात्कार करना,
कई हमारे आदिवासी भाई साथियों को एनकाउंटर करना, जेलों में डालना, फर्जी सरेंडर करना, ये तो सिलसिला छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत रफ्तार से कर रही है, फिर भी हम लोग इसमें जूझ रहे हैं। आप सब लोग यहाँ से तो कुछ चीज़ें कम भी हो रही है, अब जब से मेरे अटैक के बाद से तो अब बहुत चीज़ें थोड़ी सी थम गई है, अब पता नहीं कुछ दिन के बाद फिर जारी हो सकता है, जिसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इस लड़ाई को छोड़ दें। तो ये है वहाँ की लड़ाई की स्थिति कि कैसे महिलाएं इतना, अब ये बात ही खुशी होती है जो महिलाएं जंगलों में रहते हैं, जब मैं उनके साथ बलात्कार होता है मुझे बताते थे ऐसे कोने में जाके कि मतलब ये हुआ हमारे साथ, हुआ इस तरह से हुआ है, तो मैं जब उनसे बोलती थी ये बातों का आप लोग बोलो, तो बोलते थे नहीं हमको शर्म आती, हम कैसे बताएं, हम नहीं बताएंगे। फिर मैं अपनी प्रताड़ना के बारे में खुल के बताती, आप बताओ मेरे साथ ये हुआ तो मैं कैसे समाज में, सब में, लोगों में, सरकार में, और इतने बड़े जैसे पुलिस ऑफिसर है जो भी है उनके बीच में मैं जूझ रही हूँ, लड़ रही हूँ, तो आज मेरे को फख्र होता है, अच्छा लगता है आप सब लोग मेरे को सम्मान की दृष्टि से, तो आप क्यों शर्मा रहे हैं। तो अब वो महिलाएं बलात्कार के बाद ही अपने कपड़े रखते हैं, मेरे इंतज़ार करते हैं, सोनी सोड़ी आएगी और आके वो क्या बोलेगी, कैसे हम लड़ेंगे, क्या होना चाहिए। तो जब वो जाके मैं जाती हूँ क्या हुआ, पूरा कुल्लम कुल्लम बताते हैं कि हमारे साथ इस तरह से हुआ, ऐसे बलात्कार हुआ, हमारे तनों को ऐसे निचड़े, छोटा सा बच्चा है उनको हम दूध नहीं पिला पा रहे हैं, तन इतने सूजे हुए होते हैं। फिर उनको लेके हम एसपी के पास जाते हैं, कलेक्टर के पास जाते, तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उनको बताने की। वो क्या, पहले मैं जब जाके आती थी और बताती थी सब ये बोलते थे सोनी सोड़ी तो अपने व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रही है, इसलिए वो बता रही है ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि अब इस लड़ाई को मेरे को कैसे वो करना चाहिए। फिर महिला जाके गाँव के महिलाओं से बोला कि देखिए मैं बताऊंगी तो मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा, आपके साथ हुआ है तो आपको खुद बताना, लेकिन मैं आपके साथ कड़ी हूँ और मैं हमेशा रहूँगी, लेकिन बताना तो आपको पड़ेगा क्योंकि अत्याचार आपके साथ, आप जब तक नहीं बोलेंगे तो ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो महिला इस तरह से अब इतनी जागरूक हो गई, वो खुद कोई शर्माती नहीं। कलेक्टर का भी बीच में बेलम नेंड्रा पेदा गेलोर में जब हुआ बलात्कार, तो महिलाएँ पूरी साड़ी उठा के दें तो कलेक्टर बोलता ये क्या कर रही, मैं बोली सर वो बता रही है इस तरह से हुआ क्योंकि उनकी योनियों मिर्ची डाल रहे थे, वो खुल के बता दिया कि हमारे साथ ऐसे कर, तो कलेक्टर पर मुझे शर्म नहीं आ रही, मैं बोले आपको तो गोंडी नहीं आती इसलिए आपको ऐसा लग, वो इशारे में बता रही है कि नहीं वैसे भी तो बता सकते था, मैं बोले आपको तो गोंडी नहीं आती और क्या बोलने से इनको हिंदी नहीं आती है तो मैं बताऊँगी तो गलत हो जाएगा, हो सकता गलत बोल रहे। तो उसके बाद वो ये इशारे से बता रहे हमारे साथ इस तरह योनी में मिर्ची डालने की कोशिश करते हैं, मिर्ची डालते हैं ऐसे हमारे साथ प्रताड़ना। तो आप ये सोच सकती है वो महिलाएं आज जंगलों से निकल के मैदान में आके कैमरे के सामने, अधिकारियों के सामने, सबके सामने खुले मंच में बोल रहे हैं, तो इससे बड़ी मेरे लिए जीत क्या हो सकती है। और इस तरह वहाँ की महिलाएँ संघर्ष कर रही हैं, और जैसे वहाँ के भाइयों को जेल ले जाना एनकाउंटर, उसके लिए भी तुरंत एकत्रित होते हैं, पर उनके वो ज़रूरत है कि वहाँ उसको लड़ने वाला नेता चाहिए, लीड करने वाला कोई, बोलने वाला लोग चाहिए। इसीलिए बार बार हम लोग यही अपील करते हैं कि ऐसा तो बहुत आवाज़ देते हैं तो बाकी सब खड़े हो जाते, बस्तर में भी आए, बस्तर में भी उनके लिए आए और उनके साथ खड़े हो जाएं, तो देखो यहाँ की महिलाएँ कैसी लड़ती हैं, उन लोग कैसे हैं, वो डरते नहीं हैं, लेकिन उनके लिए इस तरह क्योंकि वो अशिक्षित हैं, बोल नहीं पाते, ताना जाते ज़रूर है पर उनको जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाते हैं, अब उनको हिंदी नहीं आती, और जो वहाँ बैठे हैं पुलिस वाले उनको मतलब क्या गोंडी नहीं आता तो डंडों से भागते हैं। फिर जो एक नेतृत्व करने के रूप में बोलने वाला, कानून को थोड़ा बहुत समझने वाला और खड़े रहें तो उनकी मजा लोग कुछ नहीं बोल पाए, ऐसे वहाँ खड़े नहीं होते हैं। बाकी और भी राजनीति नेता हैं और भी कुछ लोग साथी हैं, वो खड़े नहीं होते क्योंकि इधर दुरिदार डाल के अंदर करते हैं जो भी, तो हमको तो कुछ नहीं कर सकते, मैं तो साफ बोलती हूँ। अब और क्या करेंगे सर, आप या तो जेल डालेंगे या मार देंगे, मैं दोनों चीज़ से तैयार हूँ, आप जेल भी भेजिए तो भी मैं चले जाऊँगी, आप मार भी देंगे तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आई हूँ इनके लिए, आपको जो चाहे। तो इनको पता है कि सोनी सोड़ी को जेल भी डाल दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं, वो मरने की आप अपनी अपनी ज़िंदगी की चिंता कीजिए, मेरी ज़रूरत नहीं है चिंता का, मैं तो तैयार हो के आ गई, 2.5 साल में मैंने बहुत झेला है जेल में और ये सब चीज़ मेरे को जेल में बहुत मजबूत हो के आई, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं और भी चेहरे तैयार करने की और लड़ने की, और वहाँ ज़रूरत है। जैसे मैं बॉम्बे के लिए निकली तो 19 तारीख को रात में कुछ हमारे भाई साथियों को पुलिस वाले पकड़ लिए, तो मेरे पास, मैं रायपुर पहुँच चुकी थी तब तक, तो 20 तारीख को सुबह सुबह मेरे पास कॉल आया कि आप कहाँ हो दीदी, तो क्या हुआ, शादी नाच के वो लोग जा रहे थे क्योंकि आदिवासी की शादी थी, एक CPI मतलब विधायक है, भूतपूर्व विधायक थे उनके घर में,
तो वो शादी आके नाच के अपना गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी से उतार के पुलिस पकड़ी उनको और अपनी गाड़ी में डाल के थाने में रखा और आज कोर्ट में पेश किया कि उनको जेल भेज दी। तो वो मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे, तो मेरा भी मन करा मैं बॉम्बे नहीं जाऊँ, वापस जाऊँ क्योंकि मेरे किधर है। तो मैं बोली ये सिलसिला तो रोज का होता है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत हुआ। फिर मैं बोली नहीं, मैं बॉम्बे के लिए निकल गई हूँ और मैं अगर ये चीज़ों को मैं वहाँ के साथियों को बताऊँ और मैं खुद भी जाके अपनी से इस चीज़ों को बताऊँ तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये लड़ाई तो ऐसे नहीं है कि आज मैं वापस भी जाऊँगी तो थम जाएगा। फिर भी उसके लिए अभी तक हम जूझते रहे, लेकिन अभी पता चला है उनको जेल आज शाम को जेल दाखिला कर दिया गया। अब बताइए, शादी भी नहीं जा सकते, शादी में नहीं आ सकते, ये है वहाँ की स्थिति। और जो जैसा मारूम जो मेरे ऊपर अटैक हुआ है जो, तो मारूम ने तो मैं कुछ सवाल ही तो पूछा था मैंने क्या गलती किया था। उसमें तो यह था कि 7 बजे का पीता था, 3 बजे रात को पुलिस उठा के ले, 1 दिन रखी, 3रा दिन उसको मार दी और शो कर दी है कि एक नक्सलाइट वर्दीदारी है, 1 लाख का इनामी नक्सली को मार गिरा है। तो जब हमको फोन में पता चला, बुलाए, तो मैं जब देखी तो कुछ और स्टोरी थी। फिर उसका पूरा मतलब कहना चाहिए इंदिरावास था, डॉक्यूमेंट्स पूरा था, एक खेती करने को जो सरकार देती है, तो एक किसान क्रेडिट कार्ड, इंदिरावास, उनका वोटर आई डी, ऐसा कोई ऐसा प्रमाण नहीं था जो एक अपने आप को साबित कर सके कि मैं एक आदिवासी हूँ, खेती किसान। तो मैं 7 बच्चे उनका परिवार और सब डॉक्यूमेंट्स लेके DGP के पास में रायपुर उनके चैम्बर में रखे, एक सवाल मैं पूछा, मैं ये बताइए सर, आपके जवानों ने उनको मार के ये घोषणा कर दिया कि 1 लाख का इनामी नक्सलाइट है, तो आप मुझे ये बताइए कि 1 लाख का इनामी नक्सलाइट कौन से सन में घोषणा हुआ था, वो कब था, इसके ऊपर कितने धारा लगे थे। और मैं आपको सबूत दे रही हूँ, ये खेती किसान ही करता है और ये पूरा सबूत है और ये उनके बच्चे हैं, ये उनकी पत्नी है, ये मैं अपने तरफ दे रही हूँ और मैं दावे से कह रही हूँ आप मुझे सबूत दीजिए। बस उसने लिख दिया और तुरंत बस्तर भी गए, फिर चांद भी नहीं। तो ये लोग उससे बचने के लिए मुझ पर अटैक करके ये कोशिश किए कि आप इस मामले से बचे कैसे, ये तो अपनी आवाज़ दे रही है, फिर देश के हर कोने तक पता चले हमारा एक मजाक हो जाएगा। ये तो आप देख रहे, शर्म सर कर ही दिए आप सब लोग ने, छत्तीसगढ़ का क्या स्थिति है, किस तरह की वहाँ की सरकार चल रही है। तो ये सवाल पे मुझ पर इतनी बड़ी अटैक करके मुझे कमज़ोर और दबाने, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो मैं जेल जाने से पहले जो चीज़ ने मैंने जेला है सब चीज़ें, तो मैं तो ये पक चुकी हूँ। मैंने एक मजबूत ऐसा लगता है मुझको खुद को लगता है महसूस कि एक लोहा जैसे होते हैं ना, एक हथियार बनाते हैं। आज मेरे को इलाज की ज़रूरत है, अभी ये जो चेहरा चिपचिपाता है मेरे पास ना पैसे हैं ना नौकरी है ना कुछ है, पर मुझे ऐसा लड़ना अच्छा लगता। लेकिन मैं ये जब मतलब वहाँ ऐसी घटना होती है तो मुझे इलाज की वाकई ज़रूरत है कि मेरा अभी भी ये जो चिपकता है, मुझे दिक्कत होती है, लेकिन मैं ना उस अब करूँ तो क्या करूँ। ऐसे तो नहीं आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं घर के अंदर नहीं बैठ सकती, अगर कोई मामला ऐसा आता है तो वहाँ जाके मैं खुद को उस मुद्दे पर लड़ती हूँ और खुद को बोलती यही मेरा इलाज है। अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाती हूँ तो ये मेरा इलाज है और यही इसी में मेरे को अपनी लड़ाई लड़नी है। इस तरह करके मैं वहाँ पर वो करती हूँ। और मतलब बहुत ही ये कितने सालों से लोग बंद हैं, एक इड़मे नाम की लड़की जो मेला देखने गई थी रामारा 16 साल की थी, वो 8वां साल में निकली, वो आज इतनी कमज़ोर है और उसको 15 दिन पुलिस ने रखा और 15 दिन रख के उसके साथ इतने मारपीट किए और वो बोली बाली एक आदिवासी लड़की, कोई माओस्ट नहीं, वो अभी मेरे साथ रहती है। अब बताइए आज उस लड़की का ज़िंदगी पूरा बिखर गया। और कुछ ऐसे महिला हैं जो शादी कर गए 8 महीना 9 महीना हुआ, 10 साल लग गए उनको जेल से आने में और इतने इतने सालों से बाहर आ जाते हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि जेल जाने से पहले ही इनको अधमरा बनाया जाता। अभी ये है कि जब मैंने मेरी प्रताड़ना के बाद बहुत कुछ कम हुआ कि अब ताने में थोड़ा पुलिस डरती है इस तरह से प्रताड़ना देने के, उससे पहले में जो महिलाएं गए, बहुत से महिलाएं बच्चों को जन्म दिया, कई महिलाओं का निप्पल को काट दिया गया, उनके चेष्टों के साथ करंट शॉर्ट दे के उनको बलात्कार किया गया, ये सब चीज़ें वहाँ का मामला है। तो आए दिन ये चल रहा है, अभी देखो लीगल ग्रुप को वहाँ से निकाल दिए, फिर पत्रकारों को, सब तो आपको पता ही है, फिर मुझ पर अटैक करें। पर पता नहीं जितना मुझ पर इस तरह का अत्याचार करते हैं तो मुझे ये लगता है कि उस अत्याचार से मेरे को और एक ताकत मिलती है। हमको इस लड़ाई में तो कभी हम कमज़ोर तो नहीं होंगे, हम लड़ते रहेंगे। आप सब ऐसा नहीं है कि इस लड़ाई को सिर्फ हम लोग ने, आप सबका सहयोग है, साथ है। और ये मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी बस्तर आइए, बस्तर कुछ जंगलों में हमको चले और देखें कि वहाँ की क्या हो रहा है, किस तरह से वहाँ के लोगों का। और ये जो लड़ाई है, अब मुझे भी ये लगता था कि वाकई ये मतलब नक्सल को सरकार ने मारने के लिए हथियार दे के इस तरह कर रही है, लेकिन अब लगता है मुझे गलत, क्योंकि मुझे खुद अधिकारी लोग ये कहते हैं कि आदिवासी को मरना पड़ेगा, हर हाल में आदिवासी को मरना ही होगा,
क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये कीड़े मकड़े इतना मरना है। तो मैं बोली सर क्यों मरना है, आप ये सब लड़ाई बंद करो। मैं बोली आदिवासियों को मारना बंद करूँ, मैं खुद ये लड़ाई करना बंद कर दूँ। तो बोला इनको तो मारेंगे ही, क्योंकि इनको सरकार को ज़मीन चाहिए। अगर ये जिस ज़मीन में जल जंगल ज़मीन में बैठे हैं तो इनके रहते कभी खाली नहीं होगा, तो इसलिए मरना पड़ेगा। तो मैं बोली गैर आदिवासी की भी ज़मीन है तो उनका ज़मीन लेना आसान है, लेकिन आदिवासी का ज़मीन लेना मुश्किल है। कोई पैसा कानून के तहत जो एक्ट बना है उसके तहत में चले तो सरकार कभी नहीं, ये कींच भी नहीं ले सकती ना आदिवासी की ज़मीन। इसलिए आदिवासियों को मार के ये जो करना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो ये है वहाँ की लड़ाई वास्तविकता। तो ये कैसा विकास या ये कैसा वहाँ का जो छत्तीसगढ़ सरकार बोलती है कि हम तो यहाँ विकास करना चाहते हैं इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन मार के किसी को बगैर करके ज़मीन को खाली करके ये सब करके कौन सा विकास करना है? आदिवासी तो उसी में खुश है ना, अपने जल जंगल जमीन। अब आदिवासी जंगल जाते हैं अपना खेती करने या लकड़ी लेने, ये तो है, ये तो ऐसा नहीं है कोई गैस में बनाता है, तो उनको भी मार दिया जा रहा है। और ये बोल के कि जंगलों में जैसा आदिवासी चलो चले जाएंगे लकड़ी लेने, तो बोलते हैं नहीं माओवादी थे एनकाउंटर में, इनको मार दिए फर्जी। और वो खेती करते रहेगा उसको मार, अगर खेती नहीं करे खाएंगे क्या? जंगल नहीं जाएंगे तो उनका जीवन यापन होगा कैसा? आधा ज़्यादा तो जीवन उनका जंगलों से निर्भर रहता है, कई चीज़ें मुलकंद मिलता है वो सबको अपना खोद के वो करके लाते हैं। तो आप जंगल नहीं जा सकते, खेती नहीं कर सकते, और जो चीज़ों को जैसे मुर्गा या ऐसे कुछ वन पालते हैं रखते हैं उसको भी जाके पूरा डकैत की तरह पुलिस मतलब जाके फोर्स जाके पूरा छीन-बीन करती है, तो आदिवासी जिए कैसे? अगर उसमें अगर उस बात को हम उठाते हैं और इस बात के लिए मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हैं तो हम नक्सलाइट हो गए, हमको देशद्रोही बना दे रहे हैं, बार बार यही कहते हैं नक्सलाइट है नक्सलाइट है। लेकिन अगर उनके लिए लड़ना ही हमारे लिए हमको ये नक्सलाइट का उपाधि देते हैं तो उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो अपने लोगों के लड़ूंगी। ऐसा तो नहीं है कि देशद्रोही का दायरा लगा के मुझे अंदर करे या नक्सलाइट का, उससे डर और भय से मैं इस लड़ाई को छोड़े, ऐसा नहीं है। तो आप सबसे यही है मेरा मतलब, आप लोग भी बस्तर आइए देखिए जिस तरह अच्छा लग रहा है, मतलब ये सब साथी वहाँ अगर बैठ के ऐसी बात, शायद मेरे लोगों को मेरे जो आदिवासियों को बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी कि ये लगेगा कि नहीं देखो उस जगह से यहाँ आके हमारी परेशानी को सुन रहे हैं, यहाँ सुनने यहाँ जो लोग हैं वो तो नहीं सुन रहे, वो तो डर के मारे चुपचाप वो मतलब अपनी जगहों में और नहीं करना चाहते, जिसको जो करना चाहेगा नक्सल के नाम से अंदर करते हैं। पर इससे डरना नहीं चाहिए, लेकिन अब सबकी अपनी अपनी सोच है और वो आगे नहीं आते हैं। आज देखो हमारे साथ साथ लोग जेल चले गए तो बड़ा हमको दुख लग रहा है, तो लग रहा है शायद मैं यहाँ नहीं आती तो वहाँ एक संगठन बना के हम आवाज़ देते घेराव करते तो कुछ तो होता, लेकिन ऐसा है हमको वहाँ चेहरे और ऐसे वहाँ के लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है। सामाजिक एकता मंच के बारे में, हाँ सामाजिक एकता मंच भी अभी तो बंद हो गया, जिस तरह सामाजिक एकता मंच ने कितनी तांडव मचाया, मतलब सालनी गहरा लोगों को इस तरह के घरों में नाराबाजी, बेला बाटिया के साथ इतना मतलब उनको नक्सलाइट के दलाल ये सब बोल बोल के नाराबाजी किया, मालनी सुब्रमण्यम के गाड़ी को तोड़ फोड़ उनके घर में पथरा फेंके, मुझ पे भी कहीं ना कहीं ये सब लोग साजिश के रूप में ये सब किया गया। तो आज देखो एकता मंच आखिर बंद क्यों हुई? अगर उनका क्योंकि पुलिस के बनाया हुआ होता है, इन लीगल तरीके से ये लोग करके हमको परेशान करते हैं, क्योंकि ये भी सलवा जुड़ूम का दूसरा एक रूप था, तो इस उनको डर हो गया। सुप्रीम कोर्ट में नंदिनी जी ने भी अभी उनके खिलाफ भी डाल दिया, तो कहीं कोर्ट कल के दिन ये डिसीजन ना ले जिनका मतलब बेइज्जती और वो चीज़ ना हो जाए इस तरह कुछ, तो पहले से उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके अपनी सफाई दे के उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन इससे पहले जो इस तरह इन लीगल तरीके से जो लोकतंत्र में रहने के दावा करने वाले संविधान में रह के मतलब लड़ने वाले, वो अगर इन लीगल तरीके से इस तरह से एक संगठन बना के जो वहाँ के लोगों को लड़ने जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ ऐसा मोर्चा खोलना कहाँ तक सही है? और वो तो ज़्यादा अपराधी देशद्रोही क्या हम पर लगता है तो क्या है उनके ऊपर भी लगना चाहिए ना? ऐसा तो नहीं है कि ये वो भी तो गलत एक प्रकार का ये जो कर रहे हैं, जैसा हम बेवजह बेला बाटिया को हमको भी पर्ची फेंक के बोले वो सोनी सोड़ी नक्सल की दलाल है ये है वो है, हमारे साथ भी हमारे घरों में भी मतलब पर्चा फेंका गया ये सब, और हमारी पुतले जलाते हैं वो मतलब जिलों में कि उसको अंदर इधर नहीं घुसने देंगे ये जिला में नहीं। तो मैं सीधा बोलती हूँ मैं बस्तर की हूँ, मेरे को बस्तर के कोने में जाने से किसी की हिम्मत नहीं मुझे रोक सके, क्योंकि मेरा फायदा इसिया है तो मैं तो जाऊँगी ही दम है तो आमने सामने से रोक के बता, पीठ पीछे वर्क क्यों करते हैं? और हमेशा जो भी लड़ाई हो रहा है अब पीठ के पीछे ये लोग करते हैं, सामने में तो इतनी तो है नहीं कि सामने वो लड़ सके।
आज तो ऐसा होगा, इस लड़ाई में मेरा परिवार को भी हिस्सा बना, उनको भी तब प्रताड़ित किया अभी कुछ दिन पहले, मतलब मेरे बहन के पति को मारना, फिर बहन को करना, मेरे बच्चों को परेशान करना, ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह से वहाँ को जो छोटे छोटे संगठन बना के जो पुलिस जो कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार जो जिस तरह से कर रही है इनलीगल तरीके, हम लीगल से लड़ने के दावा कर तो इनलीगल तरीके से वो अपना होता है, ये वहाँ की स्थिति है। और कुल मिला के जल जंगल जमीन तो छीनने की है, और आदिवासियों तो उस चीज़ से बगर रहे, पर आदिवासी भी इतने कमज़ोर नहीं है कि इतना आसान से छोड़ दें, वो लड़ेंगे या लड़ रहे हैं। लिंगा का तो संघर्ष ये कहना चाहिए कितना, पहले पुलिस उनको ताने में एक महीना रखा, वो भी आप लोगों को पता है, फिर एक महीना तक रखी कितना टॉर्चर किया, टॉयलेट रूम में बंद करके रखा गया, फिर अभी जेल ले जाने के जाने से पहले भी लिंगा के साथ इतना कुछ हो रहा है। तो लिंगा एक बता युवा पीढ़ी का एक ऐसे एक लड़का है, और उसके साथ इतना कुछ टॉर्चर होना, इतने कुछ होना, तो अभी जो आत्महत्या की बात उन्होंने, ये सब चीज़ों को शिशु व्यसन दे के उन्होंने किया। मैंने भी पूछा इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, तो आखिर वो भी एक इंसान है, कितना प्रताड़ना को सहेगा, और उसको कोई गलत तो कर नहीं, वो एक पत्रकार है, अपना वीडियो बनाता है, लोगों के साथ जो होता है उस चीज़ों को करते हैं। ताड़मेटला का वीडियो बनाया, ताड़मेटला का जो चार गाँवों को जलाने का वीडियो का आज तक वो जेल रहा है, अगर वो वीडियो ना बनाया होता तो शायद लिंगा जेल भी नहीं जाता और इस तरह से आज मतलब होता ही नहीं। पर आज उसने एक सच्चाई की आवाज़ वीडियो बनाना, उसके लिए आज तक का इतना भारी पड़ा, और अभी भी लिंगा की ज़िंदगी में वही चल रहा है, जहाँ पुलिस देखती है उसको नक्सलाइट बोल के उसका हर समय प्रताड़ित करना, ये सब करना, और इतना जेल में, और अभी भी वो जो प्रताड़ना दिया आज उससे वो भी जूझ रहा है, वो भी परेशान है। ये लिंगा के साथ तो बहुत गलत हो रहा है, जो भी वहाँ की आवाज़, अगर बस्तर के लिए जो इस तरह के मुद्दे पे आवाज़ उठाएगा उसके साथ ही अंजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लीगल ग्रुप भी वही किया, तो उनके साथ ही किया गया, मतलब कुछ नहीं बोलना है, वो मारे पीटे कुछ भी करे वो कुछ नहीं बोलना, चुप रहना, लेकिन ऐसा भी कैसे चुप रह सकते हैं, ये तो काया बुजदिल तो नहीं है ना कि वो गलत कर रहे हैं तो हम चुप रहे हैं। अब इसमें बोलते हैं आप नक्सलाइट का साथ दे रहे हो और पुलिस को विरोध कर रहे हैं, हम ये हिंसात्मक जो लड़ाई है इससे तो बिल्कुल विरोध है, क्योंकि हम जो बंदूक की लड़ाई में भरोसा नहीं करते, हमको तो शांति की लड़ाई चाहिए। तो अब इसके बीच में जो हो रहा है, अब उसमें ये कह रहे हैं कि नहीं आप इस तरह बोल रहे हो तो हम नक्सल के साथ हैं, तो हम नक्सल के साथ नहीं है ना, हम आदिवासी के साथ हैं, जो लोग आदिवासी उस जगह पे जूझ रहे हैं उनके साथ जो गलत हो रहा है हम उनके साथ हैं, अब उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या वो आदिवासी नक्सलाइट है क्या? अगर उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, उनके साथ अत्याचार बलात्कार होना, ये कहाँ था? अभी तो ऐसा हो गया महिलाएं खेती मतलब अपना खेती करने चले जाती, पुरुष वर्ग कम जाते हैं, क्योंकि वो खेती में जाओ इनको एनकाउंटर करते हैं, तो कई महिलाओं के लिए कितनी दिक्कतें हो रही, तो महिलाएं खुद 30-40 किलोमीटर बाजार चले जाती हैं, क्या करेगी? पुरुष नहीं जा सकता, पुरुष अगर उनको भेजेगी दोबारा लौट के नहीं आएगा, वहीं से वहाँ पुलिस उठा लेगी जेल भेज देगी, तो महिला ये बोलती है कि जो भी है हम चले जाएंगे, उतने किलोमीटर पैदल जाके बाजार से अपना जो भी है मतलब ये राशन पानी लेके आते हैं, खेती करने जाती है महिला तो बच्चे को सुला के जाती है, तो पुरुष अगर रास्ते में रहें तो जब महिला आते रहेगी तो उसको आने नहीं देंगे, वहीं पर रोक लेते हैं, तो महिला ये बोलती कि मेरा छोटा सा बच्चा है मुझे जाने दो, मेरा बच्चा अभी मतलब दूध पीने का समय हो गया है, तो झूठ बोलती हो तुम, ये नहीं है तुम्हारा कोई बच्चा नहीं, अब तुम दिखाओगे कि अपना तन को निचोड़ो या फिर वो खुद निचोड़ लेते हैं कि बाकी ये बच्चे की माँ है कि नहीं, तो तब तक वो आते आते उसका तो दूध सूख जाता है, फिर वो क्या पिलाए, ये स्थिति महिलाओं को गुजरना पड़ता है। और वो बताओ उस बच्चे का, अभी माडूम में जो हुआ था 7 बच्चे वाले, अब वो बताइए जब हम DGP के पास लाए तो बच्चे हम साथ में रुके तो बच्चे रो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे दूध पीते बच्चे, तो जब रो रहे थे तो मैंने उनसे पूछा क्यों रुला रही है, थोड़ा उसको पिला दें, और मुझे थोड़ा सा मैंने भी थोड़ा सा ज़ोर से आवाज़ में बोला, तो महिला मुझसे बोलती है जिस दिन से मेरे पति को ले गए मुझे मैंने खाना छोड़ दिया, तो क्योंकि उसके पति को तो मार दिया गया हेडक्वार्टर के उस पर, उस दिन से वो महिला खाना छोड़ दी तो उसका दूध सूख गया, तो बच्चों को पिला रही उसको दूध का तन सूख गया, तो बच्चे रो रहे, फिर मैं रात में कुछ हमारे पार्टी साथियों को फ़ोन करी तो दूध तो ला के दिए पिलाए, क्योंकि वो महिलाएँ कभी दूध बाहर की नहीं पिलाते अपने तन की पिलाती, तो बच्चे सुबह होते ही इतना दस्त हो गया उनको, मतलब ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है महिला, और याद तो ऐसा हो गया कि कोख से रह के पैदा बच्चा भी उस लड़ाई का एक हिस्सा बन गया है, अब बताओ उस बच्चे के लिए भी उसका भी एक खुराक को छीना जाता है, इससे ज़्यादा अब
वहाँ की जो इस तरह का जो स्थिति है, इससे ज़्यादा आप क्या बोले बताएं। अब बड़ों की बात तो छोड़ो, बच्चों तक का रहम नहीं कर, यही नहीं जो बच्चे माँ अगर पेट में है, अगर उस बच्चे को उसको जन्म देना है तो ऐसा तो नहीं है। तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, कोई गाँव में अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूल अच्छा नहीं है, सबको इन लोगों ने बंद कर दिया। गांव-गांव में कोई अच्छी अस्पताल या अच्छा स्कूल है कुछ नहीं, तो उनको कुछ दूरी में आ जाता है, मतलब जैसा एक शहरी नेटवर्क में वो महिला अगर उसके साथ उसका पति आ जाता है तुरंत उसको अरेस्ट कर लें, फिर वो महिला अपने आप है। तो उस स्थिति वो महिला को अकेला को या फिर किसी को साथ लेकर, महिला डिलीवरी के दौरान मर भी गई तो ये हालत हो जाती है कि उस महिला को वहाँ से ले जाने के लिए कितनी दिक्कतें होती हैं, ये सब चीज़ें हो रहा है ये। और बच्चा अगर पढ़ना चाहता है स्कूल जाके, उसका पिता जा नहीं सकता, उसके लिए महिला जाएगी और वो भी बहुत कम, क्योंकि वो महिला भी इतनी दूर से कितना। तो इस तरह बच्चों को ना सही शिक्षा मिल पाती है ना ये, तो ये हालत है। महिलाओं को इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। जब पकड़ के ले जाते हैं बेचारी महिलाएँ, चले जाती है थाना में, अभी कोर्ट में। अब बताइए, एक हमारे बेड़मा में वो पहले जेल गया उसका पिता, वो बच्चा पढ़ रहा था, जब पढ़ रहा था तीसरी में, तो पहले जेल गया, 3 साल बाद उसका पिता निकल गया, तो पूरा जमीन जायदाद को बेच के उसकी पत्नी ने छुड़ा लिया। तो जब घर आया तो उसको बोली, तुम्हारे वजह से मैंने इतना बेचा हो, ये बेचा, कुछ भी नहीं हुआ, अब मजदूरी करने नहीं जाते हो, ये उनको चिल्लाने लगी। तो मजदूरी के लायक नहीं था ना वो, तो इतना कमज़ोर हो चुका था जेल जाके कि उसकी मानसिक रूप से शरीर रूप से बहुत कमज़ोर था। पर महिला किस बात की चिढ़ती कि मैंने इतना मतलब साल तक मैंने भी संघर्ष किया, तकलीफ उठाई, अब तुम कुछ भी मजदूरी करो और खिलाओ, मैं कुछ नहीं जाती, बच्चा को भी पढ़ाना है। ये रोज़ का रोज़ ताना कैसा है। वो चले गए माओवादी पर, माओवादी में गया कुछ समय, माओवादी के साथ रहा, वहाँ भी वो शारीरिक रूप से लड़ नहीं पाया, फिर वापस आया। वापस आकर सोचा कुछ भी हो, एक बार मैं अपनी पत्नी के 4 गाली सुन लूँ, लेकिन मैं रहना, मुझे गांव में ही रहना। फिर वो 2-3 महीना रहा, पुलिस उठा के फिर जेल ले गया, फिर जेल में हो। और उसका जो लड़का है, बच्चा है, वो उसकी पढ़ाई वहीं थम गई। तो वो बोलता है, मैडम क्या करूँ, अभी पिताजी के लड़ रहा हूँ। तो वो बताओ, बच्चा का पढ़ाई गया, अब आज कोट कोट ताना ताना ये चक्रे काट रहा है बच्चा, आज उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। ये है बस्तर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर काम कर रहा है क्या? ये शहरों में, वही तो बता रहे हैं, गांव में कुछ नहीं। वो नाम के लिए छोटा बहुत भवन बना दिया गया है और वो सब किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है स्वास्थ्य सेवा नहीं। कई महिलाएं तो गांव में जो बच्चा देते देते बच्चा खत्म हो जाते हैं। वो नाम के लिए मतलब 20 बेड या 10 बेड का बना है, पर वहाँ कोई मेडिसिन नहीं जाता, कुछ नहीं। और वहाँ का ये इस तरह से वहाँ के जो डॉक्टर भी बच जाते हैं, वो नक्सल एरिया है, नक्सल के नाम से बिल्कुल, हालांकि उससे कोई खतरा नहीं है, पर उनके नाम से ना वहाँ पर डॉक्टर जाता है, ना वहाँ की नर्स रहती है, ना वहाँ दवाई सप्लाई होती, कुछ नहीं। और वहाँ जाकर देखने वाला कौन है, बोलने वाला कौन? अगर वहाँ बोलेंगे गाँव वाले कि यहाँ पर अस्पताल खुले, दवाई नहीं है, नहीं, उसको नक्सल के नाम से तुरंत अंदर, ये स्थिति में तो कौन आवाज़ उठाएगा। शिक्षा के नाम में भी वही है। गीदम में रहते हैं, वहाँ जब आपकी ये अटैक हुई आपकी, ये पहले कहाँ गए, वहाँ पे क्या था, क्या हॉस्पिटल है, क्या वहाँ अस्पताल है? तो जब हाँ अस्पताल है, क्योंकि गीदम एक जिला के बीच में है, दंतेवाड़ा जिला है, उसी के ही आगे पीछे में 10 किलोमीटर है, तो वहाँ एक अस्पताल है। पर वहाँ भी मेरा कोई उपचार तो नहीं हुआ ज़्यादा, फिर वहाँ से फिर जगदलपुर आना पड़ा जब मेरे अटैक होने के बाद, क्योंकि जैसे जिस रोड में मेरी अटैक हुआ उसी रोड में मैं गीदम की ओर जा रही थी, तो गीदम पास पड़ा, फिर वहाँ आना। वो हॉस्पिटल वो लायक नहीं था जहाँ पर ट्रीटमेंट हो चुकी, जगदलपुर में भी नहीं हुआ? नहीं, जगदलपुर में भी नहीं हुआ, कोई सही दवा नहीं दिया गया ना, तो ऐसा मैं तो इतना घंटा तक दर्द को झेलते रही जब तक कि दिल्ली पहुँचते तक, तो तब तक तो मेरी पूरी हालत ही ख़राब हो गई थी। अगर वही ट्रीटमेंट मेरे को वहाँ सही मिल जाता तो मुझे दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं थी ना। और वैसे भी जिस तरह से पुलिस जो घेर के रखा था कि कम से कम 150 फोर्स तो घेरा था जब जगदलपुर, मेरा परिवार को मुझसे मिलने नहीं दे रहा था। तो मैं ये बोल रही थी, अटैक भी मेरे ऊपर होता है, पुलिस भी, मैं कोई अपराध हूँ क्या? अब कि मेरे को यहाँ अरेस्ट कर रहे हैं क्या, कि आखिर किसी को मिलने के, पार्टी वाले को मिलने नहीं दे रहे थे, मेरे परिवार को मिलने नहीं दे रहे थे। तो मैं बार बार पूछिए बताइए सर, अटैक भी मेरे साथ हुआ, ये मैं इतना तड़प रही हूँ और मेरा परिवार को मिलने दें, आप लोग क्या मुझे अरेस्ट करने वाले हैं क्या? नहीं मैडम, हमको प्रसाद से कोई नहीं मिल सकता। इस सिचुएशन में तो शायद मेरा वहाँ मुश्किल ही था, ये लोग कुछ और ही प्लान सोचे थे, क्योंकि दवाई भी नहीं दे रहे थे, दवाई भी सही ढंग से नहीं हो। और ये ही नहीं है, जो जेलों में भी बंद है
कई बड़े मतलब जेल में रह रहे के बीमार हो जाते हैं, तो वो अस्पताल अगर जगदलपुर में ले जाएं सही उपचार नहीं मिलता, मर जाते हैं। कई ऐसे बंदियां मर चुके हैं, डॉक्टर वहाँ पर भी कोई दवा सही नहीं रहता जेल में। डॉक्टर है नाम के लिए हर जगह है, किताबों में देखो ऐसे नाम के लिए हर जगह रहेंगे, लेकिन सही उपचार सही से कितने जेलों में बंदियां मर जाते हैं। मैं तो इतनी मर मर के इसलिए वहाँ से जिंदा होकर आज आप सबके सामने हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कई तरह से आवाज़ देते रहे, लड़ते रहे, और सोनी छोड़ी के पीछे कई लोग हैं, अगर उसको कुछ हो जाएगा इसका मतलब है कि बहुत हमारे लिए दिक्कत है, इसलिए मेरा उपचार और मेरा इलाज पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता था। बाकी ऐसे बहुत से महिलाएँ, हम लोग तो सलाह के अंदर बंद होते कि किसी को पेट दर्द होता था रात में। एक तो नक्सल वाला केस में तो ऐसा है कि नक्सलाइट का दायरा है तो इसको बिल्कुल इलाज भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, और वो रात भर तड़पे। कई बार ऐसा हुआ कि रात को तड़पे सुबह ख़त्म हो, जब हम बोलते थे कि आप इनको ले जाओ अस्पताल तो नहीं, क्योंकि इनके पीछे सुरक्षा गार्ड, पर रात भर में उपलब्ध कराओ इनको इलाज करवा, नहीं। कई महिलाएँ जो नक्सल केस में आई हैं पेट से, अगर वो मतलब माँ बनने वाले, उनको पूरी जंजीर दार के बच्चे को जन्म दिया, ये स्थिति है। मतलब ये बताओ किस तरह से यतना है भाई, वो माँ एक बच्चे को जन्म दिए तो उसको हाथ कड़ी लगा के क्या, जंजीरों को डाल के रखते। तो जब वो बोलती थी कि नहीं मेरे को ना मेरे बच्चे को इस साइड का तन से पिलाना है, तो उसको जंजीर खोल के फिर इस साइड, वो तो अपने बच्चे को भी नहीं ले पाती थी। ऐसा स्थिति एक नक्सल के केस में जो होता है देशद्रोही के द्वारा, ये भी जेल में क्या यतना है। जेल तो सालों साल बिताते हैं, उसके सिवाय भी ये यतना दिया जाता है। हमारे साथ भी बहुत हुआ, निवस्त्र करके घंटे पर बैठाना और बहुत गंदी गंदी तरीके से अपने मतलब ऐसे अंगों से करना, ये सब ये मानसिक रूप से हो जाए एक सोच के ये लोग करते हैं। पानी बॉटल जलाना, कपड़े जलाना, जो टॉयलेट की जो पानी है वो, फिर एक मतलब जब मैं भूख हड़ताल में थी तो तब ये लोग ना अलग से रखना, बिल्कुल किसी से बातचीत करने नहीं देना। तो जेल के अंदर भी एक मानसिक रूप से प्रताड़ना दिया जाता है, वहाँ भी ऐसा नहीं है कि नहीं। तो तब फिर मैंने वो पड़ताल में 2.5 महीना का वो किया था, और उसमें बहुत वो चीज़ें, और जो महिला कुछ बोलेगी तो उसको सर को पटक के मारना, ये करना, कौन बोलने वाला, कौन सुनने वाला, ये है। और बच्चा और आधा पेट खाना देना, उसी में से बच्चे के लिए माँ खाना बचा, तो हम लोग क्या करते हैं सबका खाना इकट्ठा करके, जो माँ बनी है जिसके पर बच्चा है वो जो भोजन का मतलब खाते हैं तो उसको हम लोग सब इकट्ठा करके देते थे कि रात को बच्चा अगर खाना मांगेगा तो माँ, एक तो वो खुद पेट भरने का आएगी तो क्या। फिर बाद में हमने 2.5 महीने का भूख हड़ताल में फिर बहुत चीज़ें जेल में सुधार हुआ, फिर आप सब लोग ने फिर ये सब किया तो खूब बहुत चीज़ें बहुत ही मतलब हमारी मांग थी पूरी हो गई। फिर यहाँ से मानव अधिकार वगैरह गए, ये सब चीज़ें हुआ, ये है। गुना खाना में मैं जब थे तो पूरा लाइट को बंद करके मेरे को रात भर रखते थे, दो दो रात, जिसमें ना वहाँ चूहे आ जाना, मतलब एकदम बंद एकांत में, तो बोलते थे तुम भूख हड़ताल तोड़ो, तो मैं नहीं तोड़ती थी। तो उस गुने खाने में बिल्कुल सबसे अलग हट के रखा जाता था दो दो दिन, फिर कई घंटे तक इंडो निवस्त्र करके बहुत गंदी गंदी बातें बोल के, ऐसा ये जेल में होता था। और जेल जाने से पहले वो जेल आ जेल गए अंदर तो भी है, फिर मेरे को जब पेशी ले जाते थे तो मेरे कुछ नहीं, तो मतलब लगता था कभी कभी कि मैं रायपुर से वहाँ जाती थी आती थी तो 24 घंटे कभी कभी लग जाता था, कभी 18। उस बीच में ये लोग इतना सताते थे पानी तक नहीं देते थे, आप सोच सकते हो कि कैसे हम पानी तक नहीं और खाना तक भोजन तक नहीं दिया जाता। जब मैं बोलती थी कि मेरे को खाना और भोजन क्यों नहीं देता, तो तुम क्या कर का है पता है, तुम एक नक्सलाइट हो, यही तुम्हारी सजा है। वो जब शुरू में ये सब करते थे, जब मुझे पता चल गया कि मुझे लड़ना ही है, जब मैंने फाइट करना चालू किया तो सब चीज़ फिर मिलना चालू होगा, मेरी इलाज, मेरा खाना, मेरे साथ साथ और भी बंदियों के लिए सब चीज़। तो ये है कि लड़ेंगे तो जीतेंगे, फिर लड़ना ही है, ये तो हम भी मानते हैं, मतलब ये चीज़ होना है कि ये नहीं हो सकता नहीं लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे तो जीतेंगे। तब से मेरे को यकीन आया कि इस बंद इस सलाखों के अंदर में लड़के इतना कुछ कर सकते हैं तो हम बाहर जाके क्या नहीं कर सकते। तो उसी लड़ाई को अब गाँव गाँव में जाके मैं अपना एक संगठित करके एक आंदोलन करके लड़ रहा हूँ। इसमें तो काफ़ी मिला है, ये पहला है कि आम आदमी सपोर्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जब केजरीवाल जी ने तुरंत स्टेट वाले को बोला तो तुरंत वहाँ से उठा के सीधा मतलब दिल्ली ला के जिस तरह इलाज हुआ है, तो ये तब मैं तो ये सोचती थी कि जब मेरे अटैक हुआ मेरे पास 500 रुपये थे, तो मैं ये सोचने लगी कि मेरा इतना बड़ा अटैक हुआ है 500 रुपये में इलाज क्या करूँ।
अब शायद मैं कैसे इलाज करूँ, लेकिन इतना कुछ हो गया, पार्टी ने सपोर्ट दिया कि जिसका मुझे विश्वास भी नहीं था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी। जी जी जी, ये सवाल बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने बोला ये सवाल तूने से पूछी है कि उन्होंने क्यों नहीं दिया, पर मैं तो इतना जानती हूँ कि उस वक्त मुझे अस्पताल ले गए और मेरे इलाज किए, मैं इतना तो जान, बाकी ये बात भी सही है। तो कई लोगों ने पूछा, मैं बोली उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया और क्यों वो नहीं किया, ये वही बता सकते हैं कि क्या है। आते हैं, पर ड्यूटी रात में महिलाएं करती है और दिन में जैसा वो अधीक्षक है जेंट्स होता है, वो महिलाएं थी, लेकिन महिलाओं को जो उच्च स्तर का अधिकारी वो बोल रखा। मैं बाद में पूछा, आप भी महिला मैं भी महिला, आपके पास जो शरीर में जो आऊँगी वो मेरे पास, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, आपको दया नहीं आती मेरे साथ ऐसा कर? ये बातें जब उस समय तो मैं चिल्लाती थी, मैं बहुत बहस होता था, उस समय कोई जवाब नहीं दे। जब मानव अधिकार ने टीम ने संज्ञान में लेके जब पूछताछ किया सब किया, तब उस महिला ने उन्हें बताया कि हम जानबूझ के करेंगे क्या, क्यों करेंगे, हमारा रोजी रोटी, हम नहीं करते तो हमारे रोजी रोटी ना, क्योंकि हमारा इस तरह आपको सब प्रताड़ना देना ये ज़रूरी था, क्योंकि हमको ऊपर से आदेश रहता था और नहीं करते तो हमारी नौकरी खतरे में थी, इसलिए हम ऐसे करते। तो जो हरकत जो करते थे महिला लोग ना, मैं तो खुद हैरान रहती थी, ये भी महिला मैं भी महिला आखिर कर क्यों, तो उनके मन में था कि एक मानसिक रूप से एक बिल्कुल एक पागल की तरह हो जाए। और ये लोग जब दवाई भी देते थे ना, तो एक जैसे एक टाइम का दवाई तो उसको पूरा निकाल कैसे करके देते थे, तो मैं पूछती थी कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ थोड़ा देख लूँ, तो आप लोगों ने कौन सा दवाई, तो मैं नहीं खाऊँगी, तो वो लोग पकड़ लेते थे, मुँह को फाड़ लेते थे, डाल देते, तो बहुत नशा हो जाता था। तो और उसके बाद उस नशे में मैं ना काफ़ी घंटे तक मैं नहीं हो पाती थी, तो मेरे को कुछ अपना जो माओवास्ट के केस में भी आए, वो लोग बोलते थे कि कहीं ना कहीं अब तेरे को मारने का पला नहीं, तू शायद, वो बहुत रोते थे मेरे को देख के। मैं बोली ईश्वर की जो ऐसा इच्छा, अब देखो लड़ना तो है ही है, मैं तो लड़ूंगी, तो वो दवाई खिला के कुछ नहीं, तो मेरे को 7-8 घंटे तक होश नहीं आता था इस तरह से। और डेली का 15 टेबलेट वो खिलाते, जब नहीं खाओ तो पकड़ लेते थे हाथ उसको और मुँह को वो कर, तो हम ये पूछते थे कि आप पहले दिखाओ तो सही, तकलीफ है मुझे दवा खाना है, पर आप दिखा, हम नहीं दिखाए, वो नहीं दिखाते थे और अपने सामने खिला के भेज देते, जाओ इसको ले जाके उसके बेड में, मतलब उसके बिस्तर में जाओ, पटक के आ जाओ, फिर वहाँ ले जाओ, ये सब चीज़ें बताते। अच्छा, आपकी नौकरी है क्या, वो उन्होंने आपको निकाल दिया या आप गई नहीं जेल जाने का? नहीं, अभी केस है, निलंबित में हूँ। अच्छा, निलंबित। उन लोगों ने जो स्कूल टीचर की आपकी नौकरी थी, उन लोगों ने आपको ये निकाल दिया था या क्या किया? वो तो निकाल चुके हैं ना, वो तो तुरंत जैसे मैं अरेस्ट हुई उसी समय बर्खास्त कर दिया, मतलब निलंबित कर दिया कि ये ऐसे केसेस है। जब ये बताइए, मतलब आप सब लोगों को बता रही हूँ, जब मेरा प्रताड़ना हुआ, प्रताड़ना नहीं होने से पहले उस समय मैं मतलब मजिस्ट्रेट के सामने मेरे को पेश किए पुलिस ने, रिमांड में लेने 3 दिन का रिमांड मांगे तो 2 दिन का रिमांड दिए। उस दौरान मेरे साथ इतना टॉर्चर हुआ, इतना प्रताड़ना दिया गया, उसके बाद मैं मजिस्ट्रेट मेरे को देखा भी नहीं, जे रही कि मेरे को मजिस्ट्रेट पर पेश करो ताकि मैं बता सकूं कि मेरे साथ ये लोग क्या किए पुलिस। तो मजिस्ट्रेट बगैर देखे मेरे जेल भेज, जब काफ़ी समय बाद जब उस कोर्ट में पेश हुई तो मैडम को मैं वही बात बोली, मैडम आप ये बताइए, जब मैं अच्छे कंडीशन में थी आप पुलिस के अंडरवर कर दिया, जब मेरा ये हालत हुआ, मैं जब गंभीर स्थिति में, आपने देखा भी क्यों? तो क्या बोलती है, नहीं मैं तो अपने बाबू को भेजी थी, आपने क्यों नहीं, मुझे क्या मालूम कि मजिस्ट्रेट का बाबू है क्या है। जब वहाँ ये बोले कि आप हमारे कस्टडी में आओगे या जेल जाओगे, आप सेंड करो, तो फिर मेरे को लगा अभी जब 2 दिन में ये हाल किए और फिर मैं चले जाऊँगी तो मेरा बुरा हाल करेंगे, तो मैंने सेंड कर दिया, जेल भेज दी। तो ये है ना, ये मतलब कानून में बैठा जो मजिस्ट्रेट भी इतना बड़ा न्याय कर चुके हैं, अगर उसी समय अगर मजिस्ट्रेट पूछा होता तो शायद कुछ होता, वो मजिस्ट्रेट को पता था, उन्होंने पूछा भी नहीं, मेरे देखा भी नहीं, मेरे जेल भी थी ये। और जब यहाँ से अरेस्ट करके ले गए, 1 साल का फरारी दिखाए, तब भी मैंने बोला कि एक देखिए मैडम, 1 साल का जो फरार बता रहे हैं, 1 साल का मैंने पेमेंट लिया है सरकार के, वो भी मेरे पासबुक में आप एंट्री है, सब चीज़ को जाँच कीजिए, फिर मुझे अपराधी वर्ग में आती हूँ कि नहीं, मेरे को एक जाँच कमेटी बैठना चाहिए। तो नहीं नहीं बेटा, कितने भेदभाव हुआ। उसी जो SR केस में BK लाल वर्मा को तुरंत हाई कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको बेल दे दिया, लेकिन हमको नहीं दिया, क्योंकि वो पैसे वाले थे, मालिक थे और कंपनी के वो हैं, तो उनके पास पैसे हैं, तो हमको क्यों देगा, हम तो एक आदिवासी हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, तो हमको 2.5 साल रहना पड़ा।
अभी वो केस का क्या स्टेटस है? अभी अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी हो तो अभी भी जेल में होती है। पाँचवा केस चल रहा है, पेशी पर पेशी दे रहे हैं, उसका गवाही चार्ज नहीं। अब अंदाजा लगा ये केस कुछ नहीं तो और 3-4 साल तक चल सकता है। तो ये स्थिति तब तक मुझे जेल में ही रहना पड़ता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर बेल ना दिया हो। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये है कि इस देश में कई ऐसे साथी लोग ने आवाज़ दी जिसे उसको भी मजबूर होके मतलब मेरी जमानत पे देना पड़ा। और नहीं करते नहीं होते तो हम जेल में बंद रहते आज तक। जब बाहर निकलने के बाद भी उस केस में कुछ नहीं हो रहा। ये है अगर ये केस खत्म हो जाएंगे तो क्या स्कूल वाले आपको कुछ नौकरी देंगे या आप उन पे केस करेंगे ऐसा क्या? ये तो तब की तब सोचूंगी, ये अभी कुछ नहीं कह सकती जब केस खत्म होने के बाद। जो लोग हमला करते हैं जैसे कि पहला वाला केस माननीय सुब्रमण्यम लोग क्या कौन ये कार्य करते हैं पार्टी के या कोई? पार्टी के नहीं, ये कार्य करते हैं नहीं बेला पार्टी जी। ये सामाजिक एकता मंच वाले इनके हमला जिनके ऊपर जो माननीय सुब्रमण्यम के ऊपर जो हमला कर रहे हैं वो लोग हैं कौन? सामाजिक एकता मंच मतलब वो है उसी जगदलपुर के मतलब बीजेपी सब मिले जुले हैं, सब मिले जुले विजिलेंट ग्रुप लाइक द सरकार अपराधी करे लोग हैं स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट स्पॉन्सर्ड बाय द पुलिस। वो आम जनता लोग हैं या क्या मतलब वाले लोग हैं? रहने वाले वही के लोग। हाँ पैसा दिया जाता है कुछ लोगों का हमने पता किया है उसमें जो लोग हैं तो ऐसे मतलब है कुछ सोना चोरी किया वाला कुछ अपराधी प्रकृति के लोग भी हैं। तो उसको कलूरी ने बोला कि देखो तुम्हारा ये इतने केस है मैं अंदर करूँगा, मैं जो कहता हूँ तुम वो काम करो, तो मैं पैसे भी दूंगा तुमको अंदर भी नहीं करूँगा। तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके ये लोग उसमें सम्मिलित होकर काम कर रहे थे। भी पैसे भी मिल रहा था, एक तो अपराधी भी हैं, तो उसको ये धमकी भी दिया गया कि मैं अगर ज़्यादा होगा तो मैं अंदर का। ऐसे कुछ लोग भी उसमें थे और कुछ आरएसएस वाले थे और ये सब मिल के एक वो किए हैं। महेंद्र कर्मा का बेटा होता है ये सामाजिक एकता इसमें नहीं, उसमें अलग से उन्होंने पार्ट टू को चालू करने के लिए बहुत कोशिश में थे। फिर उसको महेंद्र कर्मा के लड़के को मैंने जाके क्योंकि हम लोग रिश्तेदार भी हैं तो मैं उसको बोली कि जमीन कर्मा को आप ही क्या कर रहे हैं, एक तो पिता के ऊपर जो हुआ है वो मतलब जिस तरह से सबला जुड़ूम के नाम से अब इतना वो जो भी सोच के चालू किया लेकिन उसका बुरा हाल हुआ है। अंत उसकी जो लड़ाई है इतनी आदिवासियों को ले डूबी है, तो फिर पार्ट टू को चालू करके फिर उससे भी बड़ा कुछ ऐसा करने जा रहे हो क्या? तो बोले नहीं नहीं मैं विकास करना चाहता। मैं बोले ये क्या विकास, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है इसलिए आप समझ जाओ। तो बाद में बहुत सोचा, बहुत लोग ने उसको फिर भी बोले लेकिन लड़का धीरे से फिर जमीन करना थोड़ा सा, फिर पार्टी भी साथ नहीं दी ना, कांग्रेस वाले भी उसमें समर्थन नहीं दिए, तो इसलिए नहीं। सामाजिक एकता मंच जैसे और भी ग्रुप है वो उसने तो डिसबैंड कर दिया। नहीं नहीं सामाजिक एकता मंच डिसबैंड हो गया। हाँ बट आर दे मूव यस 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 वो बताइए महिला एकता मंच बना हुआ है, आदिवासी संघ आदिवासी ऐसा कुछ कुछ और बना है ये, लेकिन उसका मेन बड़ा वो था सामाजिक एकता। उसकी जो छोटे छोटे संगठन भी उसका पूरा हुआ पर है एक को इन्होंने वो किया रद्द किया बाकी हर संगठन। बेला भाटिया ने कलकत्ता में बताई कि सामाजिक एकता मंच में लोग ज्यादातर से व्यवसायी है या ठेकेदार है, तो मतलब ये लोग क्या आदिवासी है या नहीं? ये आदिवासी है जैसा क्या बोलना से उसमें कहीं ना सुब्बा राव ऐसे कुछ कुछ लोग हैं वो एकदम आदिवासी में नहीं है, वो लोग शहरी लोग हैं, कुछ ठेकेदार हैं, कुछ क्रिमिनल प्रकृति के लोग भी हैं, सब मिल के होकर हैं।